अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी वर्स? मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, और आज की हमारी रेसिपी है चिकन वेजिटेबल निकर्स स्कूल लंच बॉक्स स्पेशल। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने एक पाव लिया है चिकन का कीमा, इसके साथ ही एक चाय का चम्मच लिया है चिली सॉस, एक चाय का चम्मच लिया है सोया सॉस, इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच पेपरिका लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक, एक चौथाई चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, एक चाय का चम्मच हमने लिया है चिकन पाउडर। इसके साथ ही क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे तो गाजर और शिमला मिर्च का, तो आधी हमने गाजर ली है, आधी हमने शिमला मिर्च है जो बिल्कुल ही चॉप किया है। अभी ये जो हम चॉपर में इसको पीसेंगे। इसके साथ ही मैंने 3 अदद स्लाइस लिए हैं जिसको मैंने बिल्कुल ही ब्रेड क्रम्स की तरह चूरा कर लिया है। आधी प्याली मैदा लिया है, इसके हम पाउडिंग करेंगे, 1 अदद अंडा और ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा शामिल करना है और इसके साथ ही ब्रेड क्रम्स वो शामिल करेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, हमें पहले से कीमा पिसा हुआ है। इसके साथ ही सारे मसाले शामिल कर देंगे हम, पेपरिका, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक, लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर, सारा मसाला भी शामिल कर लिया, चिल्ली सॉस, सोया सॉस। मैंने वेजिटेबल को सोते करना है तो सिर्फ एक ड्रॉप ही मैंने ऑयल का शामिल करना है, और इसको अच्छी तरीके से पूरी फ्राई पैन को हमने ग्रीस कर लेना है, तो शामिल करना है गाजर को हमने सोते करने के लिए रख दिया है। जैसे सोते होता है फिर हमें इसी में शिमला मिर्च को भी शामिल कर देना है। गाजर सोते हो चुका है, अब इसी में हमने शिमला मिर्च को भी शामिल कर देना है। शिमला मिर्च को और गाजर को हमने साफ कर देना है क्योंकि शिमला मिर्च में पानी होता है, ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। बच्चे क्योंकि सब्जियां नहीं खाते हैं, चिकन के साथ नगेट्स में अगर हम चॉपर में इसको पीस लेंगे तो ये वेजिटेबल भी आसानी से बच्चे लंच में नगेट्स ले जाएंगे तो खाएंगे। हमने छन्नी में रख दिया है, ज़रा सा भी पानी होगा वो बिल्कुल ड्राई चाहिए। ये देखिए मैंने इसको छन्नी में रख दिया है। हमने चॉपर में पहले एक चक्कर कीमे का लगाने के बाद फिर ही हमने ये सब वेजिटेबल को शामिल कर लिया। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया सब चीज़ों को, अब मैं ये वेजिटेबल शामिल करूँगी। बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, कतरा भी पानी नहीं है इसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा जो है सब्जियां सारी इसके अंदर मिक्स हो गई है, और देखिए कितना ज़बरदस्त कीमा हो गया है। अब हम निकालते हैं। अब हमने इसको तख्ते पे आराम से फैला देना है हाथों की मदद से। नीचे मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके नहीं, और हम कटर की मदद से शेप बनाएं। मेरे पास अलग अलग तरह के कटर हैं, आपके पास जो भी कटर आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते, इस तरह से आप बना सकते हैं फ्लावर की तरह, ये बड़ा फ्लावर, ये छोटा फ्लावर, ये हार्ट शेप में, ये हार्ट शेप में आप बना सकते हैं। मैं सब बना के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए रेडी हो चुकी है, अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स, मैदा और अंडा लिया था, तो सबसे पहले हमने मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में। सबसे पहले हमने मैदे में इसको अच्छी तरीके से कोट करना है इस तरह। फालतू मैदा जो है हमने पूरा झाड़ दिया है। इसके बाद में इसको अंडे में शामिल कर, इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में शामिल कर, हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स में
इसको गोल करना है इस तरह। गोल होने के बाद ये देखिए इस तरह। तो अब हम इसको सारे को कोडिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। ये सब निगर्स की देखिए किस तरह से कोडिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम निगर्स को फ्राई करेंगे। डीप फ्राई होगा। एक साइड जो है फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको दूसरी साइड करते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। देखिए एक साइड गोल्डन कलर आ गया है, दूसरी साइड भी फ्राई हो गया। ये देखेंगे कैसे गोल्डन हो गए हैं दोनों साइड। अब हमने इसको निकाल के डिश आउट करना है। चिकन वेजिटेबल निगर्स की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं, और इसके साथ ही वेजिटेबल का अपना एक टेस्ट है वो और मज़ा देता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।